सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर साधा निशाना। हमीरपुर के चैकी में बीजेपी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सीख देते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी का जिक्र करने पर कांग्रेस के नेता क्यों एतराज जता रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है और हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। उनके जिक्र करने में मुझे मालूम नहीं कांग्रेस वालों को क्यों परेशानी है। और सहज रूप से इस बात को कहा जा सकता है कि मोदी जी के नाम से उनको इतनी चिंता हो जाती है, इतनी परेशानी हो जाती है, इसलिए उन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो अपने नेता का जिक्र करें, हम अपने नेता का जिक्र करेंगे, हम केंद्र की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, हम प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि सांसद के रूप में अनुराग ठाकुर जी ने जो काम किया है उन सारी बातों का भी जिक्र करेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जहाँ 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में, हम 4 सीटों पर जीतने वाले हैं। और ऐसी परेशानी में कांग्रेस के लोग इन सारी बातों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं। मैं उनकी बातों को लेकर के कभी गंभीरता से मैं समझता हूँ कि उसमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्टी में हमारी पार्टी का निर्णय हमारी पार्टी में होता है, उनके पूछ करके तो होना नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी में हालात चल रहे हैं हटने और हटाने के, और कुछ में उनको उस चपेट में खुद ना आ जाएं, वो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है। चंदेल जी हमारे मित्र थे, पार्टी में थे, लेकिन चले गए और वहाँ पर वो जहाँ गए हैं वहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी कहना उचित नहीं है, कुछ वर्षे बाद मालूम पड़ेगा।